What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 31st December 2019 ट्यूजडे है. सुबह के 8:18 हो रहे. दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे. उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये कल का पिक्चर है, यानी 30th December आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,258 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,220. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. शुरू में निफ्टी ओपन होने के बाद ये हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था इसके ऊपर ओपन हुआ. तो यहाँ पर शुरू में कोई ट्रेड नहीं बनता. उसके बाद में इसने ब्रेकआउट लेवल के पास एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया और फिर जब ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया तो टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ और ब्रेकडाउन लेवल को भी ये ब्रेक नहीं कर पाया. काफी देर तक ये इस लेवल के पास ये पेनेट्रेट करते रहा इस लेवल को और फिर ऊपर आके हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास ऑलमोस्ट आकर ये क्लोज हुआ. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग फिर से कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं बन रही थी. काफी एक ट्रेंडलेस मार्केट कहे तो ऊपरी स्तर पे हमें एक साइडवेज जोन देखने को मिल रहा है. अभी एक महीने के बाद बजट है अभी और ये जनवरी में Q3 के रिजल्ट्स आएंगे. तो इसका सब मिला जुला के असर हमें ऊपरी लेवल पे एक साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रहा है. तो अभी निफ्टी जो ऊपरी लेवल पे है यहाँ से ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे. एक प्रेशर है ऊपरी लेवल के कि यहाँ से एक मार्केट में करेक्शन आ सकता है या फिर और तेजी प्री बजट अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है. लेकिन जब तक हायर हाई को ये कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना भी काफी रिस्की साबित हो सकता है. तो एज पर कल का जो पैटर्न था हमारा उसके अकॉर्डिंग कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी. चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते. कल यूएस मार्केट नासडैक में गिरावट देखने को मिली, 60 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी लाल निशान में कल बंद हुए थे. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 38 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. जापानीज इंडेक्स भी 181 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. हांगकांग मार्केट में भी वहां पर कुछ प्रदर्शन चालू है तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है. वहां पर 157 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि चाइना मार्केट हल्की से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 40 पॉइंट्स की बढ़त इस समय दिखा रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल अभी थोड़े से निगेटिव संकेत आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह निफ्टी का वीकली चार्ट. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था. अभी ये 12,240 के लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीक ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है. लेकिन अगर ये यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो 12,080 के पास हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा और 12,080 अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी में और यहाँ से गिरावट हमें करेक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है. ऊपर की तरफ हमारे फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के प्रोजेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 50% का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 12,350 के पास. अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके वहाँ पर सस्टेन करता है तो ये लेवल हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकता है. तो स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है निफ्टी इंडेक्स में वीकली चार्ट में. चलते हैं डेली चार्ट में. यह निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट. हमने यहाँ पर देखा 20 EMA के पास आने के बाद एक पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बना. फ्राइडे को सडन जंप यहाँ पर देखने को मिला और कल फिर एक बार ऊपर की लेवल पे ये ओपन होने के बाद और ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाया और एक करेक्शन हमें देखने को मिला जहां पर ऑल टाइम निफ्टी इंडेक्स ने हाई बनाया था. तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ पर बन सकता है. ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है. कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर ऐसा एक बियरिश कैंडलस्टिक बनना होगा और इस कैंडल का लो अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पर ये हमें इस पैटर्न का कन्फर्मेशन मिलेगा अगर ऐसा कैंडल बनता है तो, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे. और फिर यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा. ये फर्स्ट टॉप
और ये सेकेंड टॉप, और इसके बाद में अगर ये नीचे आता और नेक लाइन का ब्रेकआउट ब्रेक करता है, ये नेक लाइन को ब्रेक करता है जहां पर 20 EMA भी आ जाएगा, तो 20 EMA को अगर डेली चार्ट में ब्रेक करता है तो और करेक्शन यहाँ से गहराता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि अभी 12,122 के पास है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल एक पैटर्न बन सकता है, सिग्नल मिला है, कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो। और एक बात है, ऊपर प्राइस एक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हायर हाइज बन रहे, लेकिन अगर RSI को देखें तो ये प्रीवियस टॉप था और उसके बाद ये प्रीवियस टॉप है, ये लास्ट टॉप है। तो यहाँ पर क्लियरली निगेटिव डाइवर्जेंस है, ऊपर हायर हाइज बन रहे लेकिन RSI अभी भी फ्लैट है, लगभग लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोअर हाइज क्रिएट हो रहे, तो एक निगेटिव डाइवर्जन हमें ये प्राइस एक्शन में फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। तो सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट में करेक्शन आ सकता है, लेकिन अभी तक उसका कंफर्मेशन, अगर ये जो 20 EMA को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये करेक्शन गहराता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्ट्रक्चर बुलिश है, क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो डेली और वीकली चार्ट का हमने सिनारियो देखा, चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल मार्केट ओपन होने के बाद एक लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाया, यानी अराउंड 12,274 के ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा होगा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल, तो इसको हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल, कलर चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं ब्रेकआउट लेवल, ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो इसे कंफर्टेबली, ये जो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग लो बना था और उसी के पास अभी 20 EMA भी आ रहा है। तो अगर ये 20 EMA और इस स्विंग लो को कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो उसके नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है 12,217, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए। अगर ये ब्रेक होता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, इसे हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकडाउन लेवल, ये होगी हमारी ब्रेकडाउन लेवल। तो अगर इसे ब्रेक करता है तो तभी हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,199, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर S2 का पिवट पॉइंट का लेवल, जो कि 12,179 है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा R1 का पिवट पॉइंट का लेवल, जो कि 12,290 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा इसके ऊपर 12,308, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।